यूपी के जनपद पीलीभीत की पूरनपुर क्षेत्र में जिला अधिकारी पुलकित खरे के आदेश की धज्जियां उड़ाते देखा जा सकता है। यहां डीएम साहब ने आदेश दे रखा है कि किसानों का 2 दिन के अंदर धान तौल होना चाहिए, लेकिन किसानों का आरोप क्या है हम आपको दिखाते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? राम मूर्तिलाल। और गांव? धर्मापुर। आपको क्या समस्या है? धान तोलाने हैं, आज सातवां दिन, छठा दिन है। छठा दिन है, अभी तोला नहीं है? नहीं। आपने इंचार्ज साहब से कही? तो क्या बोले वो? कि नंबर पर तोलेगा। नंबर दिया आपको? हाँ, नंबर दिया। कब दिया? अरे परसों लिया, 16 नंबर दिया। 16 नंबर दिया है? तो अभी कितने नंबर तक तुलोगे? अब 3 तुल रही है। 3 तुल रही है 4 दिन से? हाँ। आपका कितना नंबर है? 16 है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? महेश। गांव? धर्मापुर। अच्छा, आपको क्या समस्या है? समस्या यही है, यहाँ क्षमता से कम तोल ही रही, ढेरी बहुत ज़्यादा लगी है, 150-200 तक ही तुल रहे हैं। इंचार्ज साहब से आपने कहा या नहीं कहा? इंचार्ज साहब से तो कहा। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तोल बढ़ा रहे हैं। कब बढ़ाएंगे? अब क्या मालूम कब बढ़ाएंगे। अब आपको कितने दिन हुए ये धान लाए? हमें लगभग आज 4th दिन है, उस हमसे बहुत पहले लोगों ने डाल रखा है। अभी उनका तुला या नहीं तुला? तुल भी रहा है, ऐसा नहीं है, तुल भी रहा है। अच्छा, हाँ, तोल हो रही है लेकिन स्लो हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं हम। ठीक, बढ़ाई जाए क्षमता कि हम कितने दिन तक यहाँ रह पाएंगे। 48 घंटा रह पाएंगे, 75 घंटा रहेंगे तो खेती बाड़ी कैसे होगी? हमें जुताई भी करनी है, परावा की करना है। आपको क्या समस्या है? समस्या क्या, 5-6 दिन हो गए धान पड़े हुए और लेबर ऊबर भी नहीं है, और उसी वजह से तौल भी कम हो रही है। कितनी तौल हो रही है दिन भर? दिन में मान लिया 100-150, किसी किसी दिन तो 50 क्विंटल ही तुलता है। अच्छा, इंचार्ज साहब ने हमने कहा? हाँ, इंचार्ज साहब से कहा। तो क्या बोले वो? इंचार्ज साहब बोले लेबर बढ़ाएंगे हम। हाँ। लेबर आज कम से कम 6-7 दिन हो गए, तब से लेबर कोई नहीं बढ़ाई। अच्छा, कांटा कितने चल रहे हैं? कांटा एक ही चल रहा है और धान तो काफ़ी पड़ा हुआ है अभी, तब इस हिसाब से तो 2 महीने में भी तौल नहीं हो पाएगी। अच्छा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? हमारा शैलेंद्र प्रताप सिंह। गाँव? बंजरिया। तहसील? पूरनपुर। अच्छा, आपको क्या समस्या है? हमारे धान साहब 10 दिन से पड़े हैं यहाँ। हाँ, और तौल नहीं हो पा रही है। अच्छा, इंचार्ज साहब क्या कर रहे हैं? इंचार्ज साहब आजकल कर रहे हैं, आजकल तुलाएंगे। तौल हो ही नहीं, कितनी तौल हो रही है दिन भर में? दिन भर में 150-200 बस, ज़्यादा नहीं हो रही है? नहीं। ठीक। हाँ भाई साहब, आपका नाम क्या है? जयवीर वर्मा। गाँव? बंजरिया। आपको क्या समस्या है? समस्या 8 दिन से यहाँ पड़े हैं और 20 कम से कम नहीं तो 20 ढेरी में से ट्रैक्टर निकल रहे हैं बेर। अच्छा, रोड पर से रास्ता बंद है? रास्ता बंद है, क्या करें, यही समस्या है। इंचार्ज साहब से कहा तुल नहीं गया, क्या बताया हमने? वो तो कह रहे हैं तुल जाएंगे बस। ये नहीं बताया कब तुलेंगे? यहाँ किसानों ने बताया कि धान की तौल लेट हो रही है, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, धान खरीद की रफ्तार सुस्त है। तमाम प्रयासों व आला अफसरों के निरीक्षण के बावजूद धान खरीद की रफ्तार तेज नहीं हो पा रही है। गौरतलब है कि सुस्त रफ्तार के पीछे का कारण धान में नमी बताया जा रहा है।